गुड मॉर्निंग डियर, मैं अस्तुर्णा देवी बालिका इंटर कॉलेज सिसोटार बसारीपुर में एमडी नदीम अहमद आज आपके समक्ष बायोलॉजी का अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। और आपको बता दूँ कि क्लास 11th में हम लोग 1 से 5th यूनिट तक पढ़े हैं और क्लास 12th में हमको 6 यूनिट से 10 यूनिट तक पढ़ना है। और जब क्लास रन हो रहा था, लॉकडाउन से पहले क्लास जब रन हो रहा था, तो आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन बता दिया गया है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ लेसन आपको पढ़ाए भी गए थे, जैसे मानव स्वास्थ्य तथा मानव रोग बता दिया गया था, ठीक है। आज आपके समक्ष मैं लेकर हूँ यूनिट 6 है और इस यूनिट 6 में अध्याय 9 आपका है। यूनिट 6 में अध्याय 9 आपका है और उस 9 में आपका हम लेसन पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। इस यूनिट में दो लेसन है, पहला लेसन का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और दूसरा लेसन आपका है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। और इन दोनों लेसन को मिलाकर 14 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन मानव कल्याण सूक्ष्म जीव से पूछेगा और 7 नंबर का क्वेश्चन इस अध्याय से पूछेगा, मतलब खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति स्ट्रेस फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या आखिर क्या होता है। सबसे पहले तो पशुपालन हेडिंग बना है हमारा कि पशुपालन है क्या, तो यदि इसके परिचय पर जाते हैं तो आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में यदि देखा जाए या पूरे वर्ल्ड में पूरे देश में देखा जाए तो पशुपालन के क्षेत्र का जो स्कोप है, जो इसका डेवलपमेंट है, और सबसे पहले चीन को जाता है और चीन के बाद जो है कि कृषि के क्षेत्र में पशुपालन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर स्थान हमारे इंडिया का है, भारतवर्ष का है, ठीक है। ये हमारे भारतवर्ष का देखिए दूसरा स्थान है इस एरिया में और इस एरिया में चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि पशुपालन है क्या। आज पूरे भारतवर्ष में हर समुदाय के लोग, कुछ लोगों को छोड़कर जिन्हें एक्सेप्शन में हम रख सकते हैं, उन लोगों को छोड़कर देखिए 70 से 75% ऐसे हमारे लोग हैं जो आज पूरे पशुपालन के क्षेत्र में पूरे जानव जीव से अग्रसर लगे हुए हैं। और दूसरी चीज कि वे लोग जो है कि पशुपालन करके अपना इकोनॉमिकल कंडीशन सही करते हैं, अपना आर्थिक कंडीशन सही करते हैं और अपने घर का जो आर्थिक कंडीशन है उसको सुचारू रूप से सही करने का काम जो है कि आज के भारतवर्ष के लोग करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। पशुपालन जो है कि आज जो हेडिंग्स है ये इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि पशुपालन की वजह से आज हमारी डेयरियाँ हमें प्राप्त हो रहा है, हमें दूध प्राप्त हो रहा है और इन दूध को जो है कि गाँव से उठाकर हम कस्बे में देते हैं, कस्बे से उठकर शहर में जाता है, शहर से उठकर महानगरों में जाता है। इस तरह से करते करते जो है कि हम पशुओं से दूध रिसीव करके अपना आर्थिक स्थिति को सही कर पाते हैं, ठीक है। जानेंगे इसके बारे में कि पशुपालन क्या है, तो इन्हीं निम्न भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका है दुधारू पशु। दुधारू पशु का मतलब ये हो रहा है कि कौन जो कि अच्छे रूप से, कौन से पशु है जो अच्छे रूप से, बढ़िया रूप से दूध देते हैं हमें, रिसिप्ट होता है उसे। पहला आपका है गाय है, भैंस है और बकरी है, इनसे हमें जो है कि दूध रिसिप्ट होता है। और याक है, याक क्या है, याक जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग गाय और भैंस बकरी से दूध प्राप्त नहीं कर पाते हैं बल्कि वो लोग याक जानवर से प्राप्त करते हैं। किस चीज को, तो दूध को प्राप्त करते हैं। तो इन चारों जानवरों को जो है कि किसी और हेडिंग्स में नहीं रखते हैं बल्कि हम दुधारू पशु के नाम से जानते हैं, ठीक है बाबू। बेटा जी आगे आपका हेडिंग्स बन रहा है भारवाही पशु। ये भारवाही पशु क्या है, तो इन पशुओं का उपयोग अलग अलग कार्य के संपन्न कराने में किया जाता है, जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर एवं हाथी इत्यादि। भारवाही पशु का मतलब ये हुआ कि जो भारहीन सामानों को, बहुत ही कठोर कामों को
हम उन कार्य को संपन्न करने के लिए इन पशुओं का प्रयोग करते हैं। बैल हमारा देख लीजिए, बैल जो कि हम खेती भी कर लेते हैं, मतलब खेती क्या हुआ कि हम जो कि अपने खेत जो है कि खनवा डालते हैं या उसको सही करवा देते हैं किससे भाई, तो बैल से। ऊंट है तो रेगिस्तान में जो कि इसका काम आता है, रेगिस्तान में जो कि ऊंट का काम आता है, वहाँ के लोग जो कि हर कार्य जो कि बहुत काम को संपन्न जो कि ऊंट के माध्यम से करते हैं। घोड़ा और जो घोड़ा है, यहाँ के लोग जो है कि घोड़ा जो है कि अपने आया ये क्या कहते हैं परिवहन का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते हैं घोड़े से। गधा और खच्चर है, ये भारी भारी सामानों को जो कि ढूंढने में कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इन पशुओं को जो है कि हम भरवाही पशु में रखते हैं। आपसे दे दीजिएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि निम्न पशुओं में भरवाही पशु है, निम्न पशुओं में भारवाही पशु है। पहला आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में, पहला आपका ऑप्शन बनेगा गाय, दूसरा बनेगा या तीसरा बनेगा बकरी, और चौथा बन जाएगा आपका खच्चर। तो देख रहे हैं ना कि चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन डिफरेंस है, अलग अलग है, तो चौथा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन भारवाही पशु के इंटरनल आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडे और मांस प्रदान करने वाले जंतु, भेड़ हुई, बकरी हुई, खरगोश और भैंस, सुअर इत्यादि। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अंडे और इनसे मांस प्राप्त हो जाता है, और इन मांस को हम बड़े बड़े रेट में, बहुत ज्यादा रेट में बेचकर और बेचने के बाद अपने आर्थिक कंडीशन को हम सही कर लेते हैं। यानी कि इन पशुओं को हम व्यवसाय और बिजनेस के एरिया में भी डेवलप करते हैं, जिससे हमारा सुचारू रूप से हमारा आर्थिक कंडीशन जो है कि सही हो जाता है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको पशुपालन के लाभ। पशुपालन के लाभ आपसे हम क्या बता दें कि आज पूरे भारतवर्ष से लेकर और चीन तक देखा जाए तो लोग जो है कि पशुओं को अत्यधिक मात्रा में खरीद कर जो है कि मान लेते हैं कि वो लोग 50,000-60,000 रुपये में खरीदे और जो कि उस पशुओं को वो लोग 70,000-80,000 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनको बेनिफिट हो रहा है। क्यों बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि वह एक पशु पर 50,000-60,000 खर्च कर रहे हैं और उसको 70,000-80,000 में बेच रहे हैं, तो उन पर जो कि 10,000-15,000 का गेन हो रहा है, लाभ उनको हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पशु से लाभ हो गया। दूसरा लाभ है कि हम पशुओं से कि दूध रिसीव करके उन्हें जो कि बड़े पैमाने पर बेचते हैं, डेयरी के रूप में बेचते हैं, तो बेचने के बाद उसका एक रिसीप्ट होता है। जैसे में मान लेते हैं गांव में हम जो कि भैंस का दूध या गाय का दूध हमने 20 रुपये लीटर खरीद लिया, सपोज दैट हम खरीद लिए, उस दूध को लेकर आए हम जो कि कस्बे शहर में लेकर आए, गए 35 रुपये या 40 रुपये लीटर हम बेच रहे हैं, तो एक लीटर पे हमें 20 रुपया प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो 20 रुपये जब हमें रिसीप्ट हो जा रहा है तो हम 20 लीटर बेच देंगे तो 20×20 हमें जो है कि 400 रुपये जो है कि एक दिन में प्राप्त हो जा रहा है। तो किससे प्राप्त हो रहा है? जो पशुपालन से, जो पशुओं से हमें दूध प्राप्त हुआ, तो उस दूध को हम बड़े पैमाने पर बेचें और बेचने के बाद जो है कि हमें अच्छे रूप से मनी जो है कि रिसीव्ड हो गया, तो ये पशुओं का फायदा रहा, गेन रहा। डेयरी फार्म प्रबंधन आपका है कि डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है? तो भारत में जो है कि गाय और भैंस जो है कि हमें दूध प्राप्त होता है। भारत में किससे प्राप्त होता है? भारत में गाय और भैंस से प्राप्त होता है। ठीक है, और हिमालय क्षेत्रों में जो दूध प्राप्त होता है वह याक से प्राप्त होता है। देख लीजिए, हिमालय क्षेत्र में दूध प्राप्त होता है वह याक से प्राप्त होता है, न कि किसी और से होता है। राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान में बकरी से प्राप्त होता है। मैं तीन ऑप्शन दे दूंगा आपको कि हिमालय में निम्न में से दूध प्राप्त होता है, तो कौन कौन सा रहेगा? काऊ रहेगा, बकरी रहेगा, सॉरी बकरी रहेगी, गाय रहेगी, उसमें से याक रहेगी समझे कि। तो तीन तो आप चार ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उन चार ऑब्जेक्टिव में तीन तो अलग रहेगा लेकिन जो चौथा रहेगा उसका जवाब रहेगा। ठीक है, ये हो गया नोट फर्स्ट। क्या आप समझ लें, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि जो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है वो बास इंडिकस गोवंश होता है।
यानी कोई पूछ सकता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एग्जामिनर अक्सर जो है कि वाइबा में पूछते हैं लोग, तो आप बताएंगे कि गुरुजी मेरे सर जी गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो बॉस इंडिकस होता है। ठीक है बाबू। बेटा जी अगला नोट्स पढ़ेंगे कि भैंस का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है बाबू मेरे लाल, तो आप बताएंगे कि गुरु जी जो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है वो बॉस विवेलिस होता है। बेटा जी भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बाबू मेरे लाल आप बताओगे कि सर जो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है वो बॉस विवेलिस होता है, ना कि बॉस इंडिकस गवर्नस होता है। क्यों भाई? तो क्योंकि बॉस इंडिकस जो गवर्नस होगा वो गाय का वैज्ञानिक नाम है और जो बॉस विवेलिस होगा वो भैंस का वैज्ञानिक नाम है। बस आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में अगला हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, क्योंकि फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, आप घर बैठे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि माँ बाप जो कि बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है, ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो मेरा खुद का यह कंसेप्ट है कि नॉलेज से बेहतर और ज्ञान से बेहतर, स्टडी से बेहतर कुछ होता नहीं है, क्योंकि नॉलेज से ही इंसान का विचित्र बनता है, नॉलेज से ही इंसान का व्यवहार परिवर्तन होता है, नॉलेज से ही इंसान के अंदर तहजीब और तबन्नुद आती है, और नॉलेज से ही इंसान के अंदर खुशनुदगी आती है, और नॉलेज से ही उसके घर का जो कंडीशन है, जो घर का माहौल है, बहुत ही अच्छा बेहतर आगे तक बढ़ता है। एक बहुत बड़े विद्वान का कहना है कि आप जो है कि किसी घर को बिगड़ते हुए देखना है तो उस घर के जो ज्ञान का जो नॉलेज जो रस्सी है उसको काट दीजिए, उसका वो घर बिखर जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे नहीं होना है देना है बेटा, क्योंकि खुद गॉड ने इस जिंदगी को दिया है, तो इस जिंदगी को खुशी के साथ गुजारेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने गुरुओं का सम्मान करें, बड़ों का तहजीब करें, इज्जत करें, जिंदगी का यही असल नाम है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह कि आप पढ़ें, जो गुरु जी लोग आपको पढ़ाकर सेंड कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, धन्यवाद, थैंक यू।